जय महाकाल। तो टीम इंडिया की आने वाली बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए कोई विन विकेट कीपर रेस। वैसे इस टाइम में टीम इंडिया लिमिटेड ओवर्स के लिए विकेट कीपिंग के बहुत सारे विकल्प है, लेकिन जीजी के ऐसे कोच बनने के बाद पहला टेस्ट सीरीज इस नए कोचिंग स्टाफ के कौन सी फेवरेट होगी। ऋषभ पंत और टेस्ट एज विकेट कीपिंग आ गए, बट क्या लिमिटेड ओवर्स के कमबैक के बाद टेस्ट में भी मौका मिल सकते हैं? क्या क्रिकेट के इस लंबे फॉर्मेट के लिए वो तैयार है? दिस इज समथिंग टू नो। लंबे समय तक क्रिकेट से दूर हुए ईशान किशन ने डोमेस्टिक के बुचेरू टूर्नामेंट में 100 लगाकर टीम इंडिया के इस स्किपिंग के रेस में वो भी आगे बढ़ चुके हैं। क्या ध्रुव चुरेल, जो अपने पहले टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए खुद को एज ए टेस्ट प्लेयर के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था, क्या इतने लंबे वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होकर फिर से उनकी इस टीम में वापसी? क्या केएल राहुल की फिर से टेस्ट क्रिकेट में वापसी होगी? क्या एज ए बैकअप विकेटकीपर के रेस में वो भी इस टीम में जगह बना पाएगी? आई विल टेल। अगर मेरी तरह आप लोगों को भी उनमें से कोई स्ट्रॉन्ग विकेटकीपर के रेस में आगे जा सकता है तो कमेंट में बोलना मत भूलिए और लाइक और सब्सक्राइब करें।